एसएमएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिनदहाड़े 17 वर्षीय युवक की हत्या, दोस्तों ने फोन कर मिलने बुलाया और दाग के सिर में गोली, बैंक मैनेजर को ठगा, चार्जशीट के खिलाफ मामला दर्ज, नितेश रानी की जमानत याचिका खारिज। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। छपरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मेतवलिया गांव में अपराधियों ने एक किशोर को घर से बुलाकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। घटना के बाद घर वालों में कोहराम मचा हुआ है। मृत किशोर की पहचान लक्ष्मी नगर निवासी नागेंद्र शाह का 17 वर्षीय पुत्र सोनू कुमार के रूप में हुई है। उसका शव शहर के उमानगर से सटे मेतवलिया फोरलेन के समीप से बरामद किया गया है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है, आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है, कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है, हत्यारों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। अगली खबर, पवई पुलिस ने एक निजी बैंक के मैनेजर को उसके बैंक खाते का विवरण साथ में उसके पैन कार्ड को अपडेट करने के बहाने 60,000 रुपए का चूना लगाने वाले अज्ञात ठग के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार शिकायतकर्ता पवई के हीरा नंदानी इलाके में रहता है और अंधेरी के एक प्रतिष्ठित बैंक में मैनेजर के तौर पर काम करता है। पुलिस में दर्ज शिकायतकर्ता के बयान के अनुसार 22 जनवरी की शाम करीब 6:30 शिकायतकर्ता को एक SMS मिला, जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के योनो ऐप पर अपना पैन कार्ड अपडेट करने की सलाह दी। SMS में आगे लिखा था कि अगर वह इसे अपडेट करने में विफल रहे तो उनका बैंक खाता ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगली खबर, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले की एक अदालत ने हत्या के प्रयास मामले में भाजपा के विधायक नितेश राणे की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश RB रोटे ने राणे की जमानत याचिका खारिज कर दी। उच्चतम न्यायालय ने पिछले बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र पुलिस को राणे को सिंधुदुर्ग जिले में दर्ज हत्या के प्रयास मामले में 10 दिन गिरफ्तारी नहीं करने के निर्देश दिए थे। शीघ्र अदालत ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे की अग्रिम जमानत याचिका का निस्तारण करते हुए उन्हें 10 दिन के भीतर निचली अदालत में समर्पण करने का तथा नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया था। इससे पहले बम्बई उच्च न्यायालय ने 17 जनवरी को मामले में नितेश राणे को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मामले की उचित जांच के बीच संतुलन की जरूरत है। यह मामला सिंधुदुर्ग जिला सरकारी बैंक के चुनाव के प्रचार के दौरान शिवसेना के एक स्थानीय कार्यकर्ता पर हुए कथित हमले से संबंधित है। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।